कि हम नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग विद साइली। और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है। आज यहाँ पर सनसेट का टाइम है और हम लोग हैं लोनावला खंडाला के बीच में, खोपोली खंडाला हाईवे पे, और हम जा रहे हैं खंडाला की तरफ। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ और दिखाती हूँ बहुत सी मज़ेदार सी चीज़ें मुंबई और पुणे सिटी के नज़दीक में, जो आप एक दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। खंडाला महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में बसा यह स्थान लोनावला से 3 किलोमीटर दूर और कर्जत से 33 किलोमीटर दूर स्थित है। खंडाला भोर घाट के एक छोर पर स्थित है। मुंबई और पुणे के बीच की मुख्य कड़ी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे खंडाला से होकर गुजरती है। पास के शहरों से आसान पहुंच के कारण यह पर्यटकों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है। तो मेरे पीछे है ये लोनावला एक्सप्रेसवे और यहाँ से आते वक्त हम रुके हैं अभी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का कोई नाम एस सच ऐसा है नहीं, पर यहाँ पर बहुत सारे लोग रुकते हैं क्योंकि यहाँ से नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ पर पीछे दिखती है, ये है खोपोली सिटी और ये है एक्सप्रेसवे। और यहाँ से एक बहुत ही सुंदर सी चीज़ दिखती है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हाँ, ये जो है ये ड्यूक्स नॉज है नारे, और ये जो है ये है ये वाला, ये है ड्यूक नॉज, जिसको मराठी में बोलते हैं नागफणी। सांग ना। और बहुत से लोग यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि यहाँ से काफ़ी ब्यूटीफुल सीनरीज दिखाई देते हैं। अभी तो हम ठंड में आए हैं, पर बारिश में यहाँ से बहुत सारे बादल बहते हैं और नज़ारा बहुत ही देखने लायक होता है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें भी मिलेगी, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बंदर भी दिखेंगे। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ के बंदर आपको परेशान नहीं करते। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे लोनावला महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। यह पुणे से लगभग 64 किलोमीटर और मुंबई से 96 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मानसून के दौरान यह जीवित हो उठता है, जब चारों ओर हरियाली छा जाती है और सभी सूखे झरने और तालाब पानी से भर जाते हैं। शब्द लोनावला प्राकृत भाषा के दो शब्दों लेन और अवली से मिलकर बना है, जहां लेन का अर्थ पत्थरों को काटकर बनाया आश्रय स्थल है, वही अवली का अर्थ श्रृंखला है। इस प्रकार लोनावला का अर्थ लेनों की एक श्रृंखला से है। 1871 में लोनावला और खंडाला दोनों पर्वतीय स्थलों की खोज बॉम्बे प्रेसिडेंसी के तात्कालीन गवर्नर लॉर्ड एल्फिस्टन ने की थी। ऐसे ही हम खंडाला की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पर एक इतना सुंदर पॉइंट था कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए और हम यहाँ पे उतरे और देखा कि इतनी यहाँ के बंदर वैसे तो लोगों को परेशान नहीं करते, पर आप भी उनको छेड़िएगा मत। जब मैं आपसे कैमरा में बातें कर रही थी, तब मेरे पीछे खड़े दो व्यक्तियों ने उनके हाथ से कुछ लेने की कोशिश करी और वो बंदर उन पे झपट पड़ा। ये देखिए कितनी सुंदर वैली है यहाँ पर। आप मेरी माने तो अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति के साथ यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता और सनसेट का आनंद लेने जरूर आइए। हेलो। शहर की भीड़भाड़ से दूर यहाँ आपको प्यार के सुखद पलों का एहसास जरूर होगा। फाइनली हम खंडाला पहुँच गए और मेरे पीछे है बहुत ही सुंदर सी खंडाला लेक। आटो आया, आटो। तो फाइनली हम पहुंचे खंडाला लेक पे, जो कि है मेरे पीछे, बहुत ही सुंदर लेक है। और आज रिपब्लिक डे होने के कारण यहाँ पर थोड़ी सी गर्दी भी है, तो हम मास्क पहनेंगे और चलेंगे और एक्सप्लोर करेंगे खंडाला लेक। मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद आपको एक बहुत बड़ा आई लव खंडाला वाला साइन बोर्ड नजर आएगा। यह विशेष रूप से यहाँ का फोटो या सेल्फी पॉइंट है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इसके साथ एक फोटो लिए बिना जाता नहीं। पहाड़ों के नीचे और मेन मार्केट से नजदीक होने के कारण यहाँ हर वक्त लोगों की भीड़ बनी रहती है।
यहाँ पर विशेष रूप से पहले बोटिंग की सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध थी, पर किसी कारणवश अब वो बंद की गई है। इस झील का पानी बहुत ही स्वच्छ होने के कारण नीचे तैरती मछलियाँ साफ दिखाई दे रही थी। अगर आप यहाँ से गुजर रहे हो तो मेरी माने और अपने बिजी स्केड्यूल से दो पल निकालकर यहाँ खुली हवा में जरूर बैठें। यकीन मानिए, आपको मजा आ जाएगा। कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो मेरी राह में गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्तू ने? वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगली, तुझे जीना सिखा रही थी। कुछ पल इस झील के किनारे बैठने पर आप भी जरूर मेरी तरह विश्लेषण करने में डूब जाएंगे। चलिए देखते हैं इस झील के किनारे आप और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जिन लोगों को यहाँ पर हॉर्स राइडिंग करना है वो हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। दादा कितने पैसे घोड़े से, कितने पैसे, कितना पैसा है भैया? हाँ, हंड्रेड रुपीज। काफी महंगी हॉर्स राइडिंग है, पर फिर भी जिनको भी करना है वो कर सकते हैं। यहाँ से लेके जाएंगे उस पॉइंट तक और वहाँ से वापस लेके आएंगे यहाँ तक। भारत भर में लोनावला इसकी मिठाई चिक्की के लिए प्रसिद्ध है। यह अपनी खूबसूरती के लिए जितना प्रसिद्ध है, उतना ही यहाँ की चिक्की के लिए भी। यहाँ आने वाले सैलानी चिक्की खाते भी हैं और अपने दोस्तों के लिए पैक भी करके ले जाते हैं। लोनावला में कई चिक्की वाले हैं और इनमें सबसे पॉपुलर ब्रांड है मगनलाल चिक्की। इसके अलावा यहाँ पर फज और जेली जैसी भी मिठाइयाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। आप यहाँ आकर इसे ट्राई करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको यहाँ के मार्केट में अनेक छोटे टी सेंटर्स और रेस्टोरेंट्स दिखेंगे जिनका आप मजा ले सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर काफ़ी सारे सेरामिक स्टोर भी दिखेंगे। यहाँ पर सेरामिक की बनी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और घर सजाने की सामग्री है। बहुत ही सुंदर, आप मेरे चारों तरफ देखेंगे तो आपको सेरामिक से बनी हुई सुंदर सुंदर आर्टिफैक्ट्स और चीज़ें दिखेंगी। बहुत ही सुंदर, मैं तो पागल हो रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। हम आए हैं सितारा फैमिली रेस्टोरेंट पे और हम इंजॉय कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया चीज पकौड़ा और कॉफ़ी। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ज़रूर यहाँ पर रुक के ट्राई कीजिए, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी खाने को आपको। अभी हम वेट कर रहे हैं सनसेट का, तब तक हम ये फिनिश करेंगे, फिर बहुत ही बढ़िया सनसेट देखेंगे और घर जाएंगे। पहाड़ों के बीच जब सूरज ढल रहा हो, गरम कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए तुम कहना, सुनो तुम मेरी हो, बस मेरी रहना। आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए, तब तक के लिए मेरे प्यार में रहना, मेरे इंतज़ार में रहना।